मॉर्निंग एवरीवन, सभी को नमस्कार। क्या करें, आज बहुत ज़्यादा लेट उठे हैं, 8:30-9 बजे के करीब उठे हैं और नाश्ता तो करीब 10 बजे किया। ऐसे ही बहुत ही, क्या करें, शनिवार है, छुट्टी का दिन है, 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती, तो इसलिए ज़्यादा ही सोते रह गए, टाइम पर उठ नहीं पाए तो लेट हो गया। अब देखो घर भी ऐसे ही पड़ा, ये देखो दिखाता हूँ, ये देखो ऐसे पड़ा है, कुछ भी नहीं हुआ अभी घर में, वो भी काम करने में लगी हुई है, मेरा बच्चा खेल रहा है, देखो इसको खेलने की सेता नहीं दिखाई। देखो इसका स्टॉलर का, इसको पहिया खोल के चाहिए, देखो ये अलग कर दिया गया है, इसके ऐसे चाहिए। ओ, 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 बारिश होने के कारण देखो कितना हरा भरा हो गया, एकदम मस्त। ऐसे तो हरा भरा नहीं है, ये राजस्थान है, देखो ऐसा है, मैं सबसे ऊपर है। हाँ चलो चलो, तुम ही चलो आगे, चलो आगे चलो आगे चलो। हाँ ये देखो बैक साइड कैसा है, एकदम हरा भरा। आपको इसकी लैंग्वेज समझ में आती है तो मुझे कुछ बताएं। हाँ, सो दिन भर टाइम पास होने वाला नहीं है, लेकिन बस यूट्यूब में ही हम देख देख के टाइम पास करते हैं। यूट्यूब बना के तो नहीं, यूट्यूब देख देख के टाइम पास करते हैं, कभी खाने का देखते हैं, कभी कुछ कभी कुछ, कभी पिक्चर, टाइम पास ऐसे ही होता रहता है। तो टाइम पास होना बड़ा मुश्किल है, काम हो तो टाइम पास होता है। चलो गाइस, आज के लिए इतना ही, जब शाम को मैं जाऊंगा तब आपसे बात करता हूँ, क्योंकि आज हमारे किसी घर में सत्संग है, हमारे अंकल जी के बेटे का दोस्त है, तो वो क्या बोलते हैं, उसका जन्मदिन है, तो उसी उपलक्ष में क्या बोलते हैं सत्संग रखा हुआ है। हम अभी आए सत्संग में आए हुए हैं, बर्थडे था, देखिए मैं यहाँ सत्संग हो रहा है, रहता है ये। बोलो बोलो बोलो, जैसा भी है आज मैंने आपको दिखाया, थोड़ा सा और एक जो सत्संग में क्या बोला जाता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर के बाद, जैसे सत्संग चालू होता है।
मूलं गुरुमूर्ति पूजा मूलं गुरुपादुका मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यं मोक्ष मूलं गुरुकृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् आनंद कंद भगवान की परमाराध्य जगत जननी श्री माता जी की सच्चे दरबार की सम्माननीय माताओं बहनों भाइयों, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों की कृपा से सत्संग मिल रहा है। क्योंकि सत्संग से विवेक पैदा होता है। एक तो सभी भाई लोग अपने मोबाइल को साइलेंट पर रखते हैं, सभी लोग क्योंकि बजेगा सबका ध्यान उधर की तरफ जाएगा। और हमारे गांव में बहुत अजीब कहावत थी कि जो सत्संग में करेगा रोड़ा उस पर पड़े गजब का घोड़ा, जो सत्संग में करेगा हंसी उसको लगेगी जम की हंसी। इसका मतलब सत्संग निर्विघ्न शांत मन से सुनना चाहिए। देखो सत्संग बड़े भाग्य से मिलता है, मैं नहीं कह रहा, मैं तो साधारण आदमी हूं। भगवान राम कहते हैं कि बड़े भाग्य पाइए सत्संगा। सब लोग घर आ गए हैं, देखो कितना टाइम हो रहा है, 9:30 हो गए हैं। हम अब आराम से आज के लिए इतना ही, आपका शुक्रिया। और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, इतने भी हम बुरे नहीं हैं कि यार सब्सक्राइब मत करो यार, सब्सक्राइब जरूर करें।